अस्सलाम रहमानुर्रहीम, मेरा नाम मलाइका है और आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक रेक्टम है। आज के प्रेजेंटेशन के टॉपिक में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ रेक्टम, रेक्टल प्रोलैप्स और प्रोस्टाइटिस। ठीक, अब हम रेक्टम के एनाटॉमी पर आ जाते हैं कि हमारे पास रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि सिग्मॉइड कोलन और एनस के दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट होता है। हेयर, ठीक, ये नॉर्म हमारे पास प्रेजेंट होता है। वर्टिकल लेवल पर अगर हम देखें तो हमारे पास सैक्रम S3 के लेवल पर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक, रेक्टो सिग्मॉइड जो जंक्शन होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और एनो रेक्टल जंक्शन पर आकर ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है। पोजीशन हमारे पास ये सैक्रम और कॉक्सिस जो होता है उसकी कॉन्कैविटी के दरमियान हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक, मेल में हमारे पास यूराइन ब्लैडर के पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है और फीमेल में हमारे पास ये यूट्रस के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ 12-18 सेंटीमीटर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो हम एवरेज लेंथ की बात करते हैं दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ अपर थर्ड, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड। फिर हमारे पास अपर थर्ड, ये मिडल थर्ड और ये हमारे पास लोअर थर्ड। कर्वेचर हमारे पास इसके मेन कर्वेचर जो आते हैं वो 2 कर्वेचर आ जाते हैं, एक एंटीरियो पोस्टीरियर और दूसरा होता है लेटरल। एंटीरियो पोस्टीरियर को फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं, दैट इज सैक्रल कर्वेचर और हमारे पास पेरिनियल कर्वेचर। और लेटरल 3 में डिवाइड होता है, अपर लेटरल कर्वेचर, लोअर लेटरल कर्वेचर और हमारे पास मिडल लेटरल कर्वेचर। प्यूबर रेक्टालस मसल जो होता है इसने हमारे पास रेक्टम को होल्ड किया हुआ होता है और रेक्टम और एनल कैनाल के दरमियान में एक एक्यूट एंगल मेंटेन किया हुआ होता है। ठीक, अब यहाँ देखो हमारे पास जब सिटिंग पोजीशन में होता है तो इसने रेक्टम को चोक किया हुआ होता है, मतलब टाइट करके रखा हुआ होता है, और जब स्क्वाटिंग पोजीशन में हम बैठते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है और रेक्टम से जो पाथवे है, फीसिस का पाथवे जो होता है गुजरना, वो आसान हो जाता है। इसकी ब्लड सप्लाई हमारे पास 3 आर्टरीज होती है, इसको सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो हमारे पास इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, मिडल रेक्टल आर्टरी जो कि इंटरनल इलिक आर्टरी की हमारे पास ब्रांच होती है, और लास्ट पार्ट जो होता है उसको सप्लाई करती है इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो कि इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांच होती है। वेनस ट्रेंजेस में हमारे पास 3 वेन्स आ जाती हैं, हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन आ जाती है, देन हमारे पास मिडल रेक्टल वेन आ जाती है हेयर, और देन हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल वेन आ जाती है। ठीक, सुपीरियर हम रेक्टल वेन जो होती है वो हमारे पास इस ड्रेनेज को लेके जाती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में, और वहाँ से ये पोर्टल सिस्टम में ड्रेन होती है। मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन जो होती है ये हमारे पास डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन होती है। लिम्फैटिक की हम बात करें तो अपर हाफ जो होता है वो थ्रू सुपीरियर रेक्टल वेसल्स के सराउंडिंग जो हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ ड्रेन होता है और फिर इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड में जाता है। और लोअर हाफ की अगर हम बात करें तो वो इंटरनल इलियक नोड में ड्रेन होता है। यहाँ अब जो ब्लैक नोड्स आ जाते हैं हमारे पास, जो ब्लैक डॉट्स हो हुए हैं ये हमारे पास पेरी रेक्टल नोड्स हैं। ठीक हो गया, जो ग्रीन नोड्स हमारे पास आ जाते हैं दे आर मेसेंटेरिक आर्टरी के अलॉन्ग जो हमारे पास नोड्स आ जाते हैं। ठीक, ब्लू वन आर अराउंड दी कॉमन इलियक आर्टरी, और जो हमारे पास स्क्रीन वाले हैं इंटरनल इलियक नोड आ जाते हैं, और ये हमारे पास ऑरेंज एक्सटर्नल इलियक नोड है, और द स्काई ब्लू कलर आर ऑब्ट्यूरल नोड्स। तो ये हमारे पास 6-7 नोड्स जो हैं ये कुल मिला के हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे होते हैं। नर्व सप्लाई में हमारे पास सिंपथेटिक आती है दैट इज़ फ्रॉम L1-L2 और पैरासिंपथेटिक आती है दैट इज़ फ्रॉम S2-4। डेफिकेशन, हमारे पास रेक्टम का रोल क्या होता है कि फीसिस को स्टोर करना हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने से पहले, और डेफिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करना। अब होता क्या है कि जब फीसिस आती है हमारे पास रेक्टम के अंदर तो मास मूवमेंट की वजह से रेक्टल की वॉल्स होती हैं वो डिस्टेंड होती हैं। जब वो डिस्टेंड स्ट्रेच होती हैं तो उनकी वॉल्स के अंदर हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास इस स्ट्रेच को प्रेशर को लोकेट करते हैं, और ये सिग्नल जो होते हैं वो सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, और वहाँ से हमारे पास इंटरन पैरासिम्पैथेटिक जो सिग्नल आते हैं वो आते हैं, और उसके ज़रिए हमारे पास जो इंटरनल स्पिंटर होता है एनल कैनाल का, एनल का जो इंटरनल स्पिंटर होता है वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज आउट होता है, वो उसकी रिलैक्सेशन कॉज करता है, और फिर उसके रिजल्ट में हमारे पास एक्सटर्नल जो स्पिंटर होता है वो भी ओपन होता है। तो इस तरह हमारे पास ये डेफिकेशन का प्रोसेस होता है हो रहा होता है। अगर रेक्टम को सपोर्ट करने वाले मसल्स होते हैं पहले तो हमारे पास लेविटर हनाए आ जाते हैं हेयर, यहाँ पे हमारे पास सारे आगे प्री रेक्टल फाइबर्स, प्यूबर रेक्टालस, और हमारे पास प्यूबर रेक्टालस, प्यूबोकॉक्सीजियस, इल्योकॉक्सीजियस। ठीक, ये सारे हमारे पास मसल्स होते हैं इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जो पेल्विक फ्लोर को भी बना रहे होते हैं। फिर हमारे पास वेल्डियर फेसिका आ जाता है। ठीक, इसका काम होता है कि रेक्टल एम्पुला को, जो कि हमारे पास रेक्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है, डायलेटेड पार्ट, मतलब मेजर बड़ा पार्ट होता है हमारे पास जिसमें फीसिस को स्टोर करना होता है, उसको सैक्रम से और कॉक्सीजियस से उसको सेपरेट करना, और उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी जा रही होती हैं, लिम्फेटिक हमारे
वहाँ पर स्टोर होते हैं। ठीक यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन है हमारे पास, ये डिपिकेट कर रही है वेल्डियल वेसिका को, जिसने रेक्टम को हमारे पास कॉक्सीजस और सेक्रम से सेपरेट किया हुआ है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है डीनो वेलर वेसिका, ये ब्लू लाइन जो है हमारे पास ये इसको डोनेट कर रही है। इसका काम होता है कि लोअर रेक्टम को हमारे पास अगर मेल है तो प्रोस्टेट से, अगर फीमेल है तो वजाइना से इसको सेपरेट करना होता है। इसके अलावा हमारे पास इसके स्पॉट में रेक्टो यूट्राइन पाउच आ जाता है, हेयर ठीक हो गया हमारे पास, और पेल्विक पेरिटोनियम आ जाता है, और पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी जो होती है हमारे पास एक मास होता है जिसके सराउंडिंग में हमारे पास पेरिनियम के जो मसल्स होते हैं, हमारे पास पेरिनियम के मसल्स जो होते हैं वो आँखें इसके साथ अटैच हो रहे होते हैं। ठीक अब हम पहली कंडीशन की तरफ हम आते हैं, हमारी जो डिजीज़ है दैट इज़ रेक्टम प्रोलैप्स। अब रेक्टम प्रोलैप्स क्या होता है कि जब आपको रेक्टम जो होता है हमारे पास उसकी कुछ इंचज से आपका पूरा का पूरा रेक्टम जो होता है एनल कैनाल के ज़रिए बाहर की तरफ ड्रॉप आउट कर जाए, ठीक बाहर की तरफ आपका जो रेक्टम है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करके बाहर आ जाए। अब ये हमारे पास नॉर्मल रेक्टम है और ये रेक्टल प्रोलैप्स की कंडीशन है कि जिसमें रेक्टम जो है एनल कैनाल के ज़रिए बाहर की तरफ स्लाइड आउट कर रहा है। अब हमारे पास किसी दो टाइप्स होती हैं रेक्टल प्रोलैप्स की, एक होता है कंप्लीट प्रोलैप्स फुल थिकनेस और एक होता है पार्शियल या म्यूकोजल प्रोलैप्स। ठीक हो गया कंप्लीट प्रोलैप्स में होगा कि हमारा इंटायर रेक्टम, रेक्टम की जो सारी लेयर्स हैं म्यूकोजा सब म्यूकोजा सिरोस चारों की चारों जो लेयर्स होती हैं हमारे पास वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती हैं, और म्यूकोजल प्रोलैप्स में हमारे पास सिर्फ ये होता है कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की लेयर जो होती है वो सिर्फ बाहर की तरफ आती है। ये हमारे पास हो गया म्यूकोजल प्रोलैप्स जिसमें सिर्फ सब म्यूकोजा और म्यूकोजा बाहर आया हुआ है, और ये हमारे पास कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स होता है। अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं पार्शियल प्रोलैप्स या हमारे पास म्यूकोजल प्रोलैप्स। इसमें हमारे पास नॉट मोर देन 3.75 या 4 इंचेस से ज़्यादा रेक्टम हमारे पास बाहर नहीं आता, और सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो होता है वो हमारे पास बाहर आता है। ठीक हो गया मसल लेयर कोई भी नहीं आती, इसको अगर हम टिश्यू के ज़रिए चेक करना चाहें तो हमें मॉइस्ट फील होगा क्योंकि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर होती है। ये हमारे पास जो पार्शियल प्रोलैप्स होता है ये कॉमनस्ट टाइप है और मोस्टली हमारे पास बच्चों में होता है, एडल्ट्स में नहीं होता। ठीक क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठें, यानी जब उनके रेक्टम पे स्ट्रेन होगा तो हम रेक्टम को आराम से मतलब देख सकते हैं बाहर की तरफ क्योंकि वो प्रोलैप्स हुआ होता है, और वो हमारे पास पिंक कलर में होगा और सरकमफेरेंशियल होगा, हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक रिस्क फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं या कॉजेज़ क्या आ जाते हैं, तो इन्फेंट में होता है जिनका सेक्रल कर्व जो होता है वो कंप्लीट तौर पर डेवलप नहीं होता, अगर सेक्रल कर्व कंप्लीट तौर पर डेवलप नहीं होगा तो रेक्टम खुद को पोजीशन नहीं कर पाएगा। ठीक और या जिनको बार बार डायरिया का अटैक होता है, बार बार डायरिया की वजह से या सडन वेट लॉस हो उस वजह से, या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ठीक उसकी वजह से भी हो सकता है, या फर्दर हमारे पास कॉजेज में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि हम कॉन्स्टिपेशन की केस में स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस तरह से डायरिया की वजह से, या तो हमारे पास नर्व डैमेज हो गई है उस वजह से, या कोई एनल एरिया पे या हिप एरिया में कोई हमारे पास इंजरी आई है, एज पर भी डिपेंड करता है, और स्ट्रेनिंग या जब बाउल मूवमेंट हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए हमें जब ज़्यादा जोर लगाना पड़ा होता है स्ट्रेनिंग की वजह से भी रेक्टम प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक अडल्ट में हमारे पास ये कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि पेरिटोनियम टॉर्न हो चुकी हो, हेमोरॉइड्स हो रहे हो हमारे पास, ठीक हेमोरॉइड्स होते हैं जब हमारे पास आर्टेरियल जो होती हैं वेंस तो बाहर की तरफ देखो ये प्रोट आउट कर चुके होते हैं। हेमोरॉइड्स जो है हमारे पास टोटली एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। ठीक ये तो स्ट्रेनिंग हमारे पास हो रही है मेल्स में खास तौर पर, क्योंकि यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्ट्रेनिंग हो रही है, इस तरह से हो सकता है। फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टपार्टम जब हो प्रेगनेंसी के बाद कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इस वजह से हमारे पास वो रेक्टम जो है वो प्रोट्रूड करके बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक हो गया अगर इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन में हम डिजिटल रिपोजिशन कर सकते हैं, या पेरेंट्स को हम बोलेंगे कि आप टिश्यू लेकर खुद ही उसको अंदर कर दें, और अगर इस तरह बार बार से भी बार बार वो हो रहा है, बार बार उन्हें करना पड़ रहा है, तो लास्ट हमारे पास रिजॉल्व जो आ जाता है वो सर्जरी आ जाता है, या तो हम उसको सब म्यूकोजल इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक सब म्यूकोजल इंजेक्शन जो होते हैं हमारे पास सिरोजिंग इंजेक्शन होते हैं, सिरोजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक जो जाकर हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, सेप्टिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक हो गया उससे हमारे पास ये होता है कि वो फाइब्रोसिस होती है और वो अपने मतलब अटैचमेंट ग्लूइंग एजेंट के तौर पर काम करता है और वो उसके साथ अटैच हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हमारे पास सर्जरी ही रिक्वायर्ड होती है। अडल्ट में हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले हमारे पास यही हो गया कि सब म्यूकोजल इंजेक्शन और सिरोजिंग हमारे पास इंजेक्शन होते हैं हम वो लगाते हैं, मोस्टली वो फिनोल होते हैं आलमंड ऑयल के अंदर। ठीक हो गया और नहीं तो अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें जो
प्रोलाप्स म्यूकोजा, उसको एक्साइज करना पड़ेगा या सर्जरी की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड हमारे पास आ जाता है कंप्लीट प्रोलाप्स। कंप्लीट प्रोलाप्स को हम नाम से क्या नाम देते हैं, प्रोसीडेंटिया। ठीक हो गया, लेकिन ये जो होता है हमारे पास लेस कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू पार्शल प्रोलाप्स के। अगर हम इसके रेशियो की बात करें तो 6:1 रेशियो हमारे पास फीमेल और मेल रेशियो है, यानी फीमेल्स में हमारे पास ये ज़्यादा कॉमन है और मेल्स में हमारे पास ये इतना कॉमन नहीं है। हमारे पास इसके मेन कॉज में क्या आ जाता है कि हमारे पास लेविटर एनाई मसल जो होता है, जो रेक्टम को जिसने सपोर्ट किया होता है, वो वीक हो जाता है। ठीक हो गया, अदर हमारे पास जो पेल्विक के सपोर्टिंग मसल्स होते हैं हमारे पास, जो फेशिया वगैरह होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो वीक पड़ जाएँ। ठीक, हमने बात की थी कि हमारे पास जो पार्शल प्रोलैप्स में रेक्टम जो होता है वो 3.75 या 4 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाता, लेकिन इसमें जो ये होता है ऑलमोस्ट 10-15 सेंटीमीटर जो होता है ये डिसेंड डाउन कर जाता है। और उसमें हमने कहा था कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर होती है, लेकिन इसमें हमारे पास रेक्टम की सारी की सारी लेयर्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ प्रूट आउट कर जाती हैं, बाहर की तरफ स्लाइड डाउन कर जाती हैं। तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या होगा कि हमें बल्ज फील होगा थ्रू एनस बाहर की तरफ हमारे पास। ठीक हो गया, मतलब एक मास, रेड मास दिखेगा जिस तरह हमारे पास इस इमेज में दिख रहा है। और पेन होगा हमारे पास एनस या रेक्टम एरिया में, ब्लीडिंग होगी हमारे पास रेक्टम के ज़रिए थ्रू, और म्यूकस लीक होगा, वहाँ म्यूकस लीक हो रहा होगा हमारे पास। इन्वेस्टिगेशन्स में हम क्या बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम ये करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। हम पेल्विक एरिया की हम एमआरआई करेंगे, अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि एनस रेक्टम की पोजीशन क्या है, क्या पार्शियल प्रोलैप्स है या बस उसको कौन सी रीज़न है जो उसको कॉज कर रही है। ठीक हो गया, और इसकी सर्जरी में हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, या तो हम थ्रू एब्डोमिनल रूट के ज़रिए सर्जरी करेंगे या तो हमारे पास पेरिनियल रूट के ज़रिए हम करेंगे। पेरिनियल अप्रोच होती है वो हमारे पास, उसको हम रेक्टल रिपेयर भी कहते हैं, और ये अप्रोच हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं कि जब पेशेंट जो है वो ओल्ड एज में। और एब्डोमिनल जो होता है उसका जो सक्सेस रेट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी दोबारा उसकी रीअकरेंस रेट जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है। लेकिन इसका अपना डिसएडवांटेज है कि हमारे पास जो पेल्विक ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, या तो फिर उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन का केस हो सकता है। ओके, पेरिनियल अप्रोच में पहला जो हमारे पास ऑपरेशन जो परफॉर्म होता था पहले ज़माने में, थिरसाज ऑपरेशन। इसमें हम ये करते थे कि हमारे पास जो एनल कैनाल था उसके सराउंडिंग में हम स्टील वायर या नायलॉन स्ट्रक्चर जो है हम उसके सराउंडिंग में हम वो लगा देते थे। इसका पर्पज़ ये होता था कि हम एनल कैनाल को नैरो कर देंगे। अगर हमारे पास एनल कैनाल ही ओपन नहीं होगा तो हमारे पास जो रेक्टम है वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस क्यों कैसे करेगा। ठीक, लेकिन इसके जो हमारे पास डिसएडवांटेज ये हुआ कि हमारे पास ये जो हम सिटर लगाते थे या हम जो स्टील वायर लगाते थे ये ओपन हो सकती थी। ठीक, ये ओपन हो जाती थी जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता था। दूसरा हमारे पास ये कि एनल स्टेनोसिस हो सकती थी, पेशेंट जो है उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता था, इसलिए ये वाला प्रोसीजर जो है वो अब परफॉर्म नहीं होता। सेकेंड प्रोसीजर हमारे पास आ जाता है डिलोरोम ऑपरेशन। ठीक, डिलोरोम ऑपरेशन में हम ये करते थे कि हमारे पास जो रेक्टम है जो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुआ है उसकी म्यूकोजल लेयर को हम एक्साइज कर देते थे, और बाकी हमारे पास जो उसका मस्कुलर लेयर बच गया उसको हम एनल जो उसका एनल का हमारे पास म्यूकोजा जो होता है एनल कैनाल का जो म्यूकोजा होता है उसके साथ हम सचर कर देते थे उसको। ठीक, लेकिन अब ये वाला प्रोसीजर भी जो है वो रिड्यूस हो चुका है और इसको हम नहीं करते। थर्ड प्रोसीजर जो हमारे पास आ जाता है जो था वो था अल्टमेयर प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते थे कि जो बाहर की तरफ रेक्टम हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है उसको भी और साथ सिग्मॉइड कोलन को भी पूरा का पूरा उसको हम रिमूव कर लेते थे, और फिर हम जो पीछे कोलन बच जाती थी हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन जो थी, डिसेंडिंग कोलन और एनल कैनाल के दरमियान हम एनास्टोमोसिस कर देते थे और कोलोनो एनल एनास्टोमोस बना लेते थे। लेकिन हमारे पास ये प्रोसीजर्स जो हैं अब ये ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एब्डोमिनल अप्रोच में हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो हमारे पास वेल्स ऑपरेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक मैश लेते हैं और मैश को हम रेक्टम के सराउंडिंग सिटर करते हैं और सिर्फ रेक्टम की जो हमारे पास एंटीरियर वॉल होती है उसको हम छोड़ देते हैं और उस मैश को एक तरह से हम सैक्रम के साथ सिटर कर देते हैं। ये प्रोसीजर जो आजकल ये मोर कॉमन यूज़ होता है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू पेरिनियल रूट।
कॉम्प्लिकेशन हमारे पास ये हो सकता है कि रेक्टल जो वो है डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर बन सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई जो है उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन आ सकती है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो सकती है हमारे पास। और अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो हमारे पास वहाँ नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस की गैंग्रीन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास गैंग्रीन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोस्टाइटिस। ठीक, प्रोस्टाइटिस हम क्या कहते हैं कि हमारे पास रेक्टम की जो वॉल है, वॉल की लाइनिंग है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोस्टाइटिस। ये हमारे पास सिर्फ रेक्टम की जो लोअर 6 इंचेस वॉल होती है, ये सिर्फ उसको अफेक्ट करती है ये कंडीशन। इसके कॉज हमारे पास क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आ सकती है, जिसमें हमारे पास क्रोन डिजीज़ आ जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, या तो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आ जाते हैं जिसमें गोनोरिया है, जेनाइटल हर्ब्स हैं, क्लेमीडिया आ जाता है हमारे पास, या हमारे पास अदर इन्फेक्शन आ जाते हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं होते, जिसमें सेल्मोनेला या शिगेला आ जाता है। इसकी फैटोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं हमारे पास तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास जो रेक्टम की वॉल के सेल्स होते हैं, हमारे पास म्यूकोसल सेल्स होते हैं, उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। ठीक, उसके और वहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ एडिमा भी होगा हमारे पास, आर्टेरियोल्स होंगे, एंडोथेलियल आर्टेरियोल्स होंगे, उनका एडिमा होगा हमारे पास, लैमिना प्रोप्रिया जो लेयर होगी हमारे पास उसकी इन्फ्लेमेशन हुई भी होगी, और म्यूकोसल सेल जो होंगे वो हमारे पास लॉस हो रहे होंगे। ठीक, इसके जनरल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रेक्टल फुलनेस की फीलिंग आती है, हमारे पास एनल और रेक्टल केनाल पेन फील हो रहा होता है, डायरिया होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंट होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में होता है हमारे पास, अर्ग होती है बार बार बाउल मूवमेंट की, बार बार डेफिकेशन की अर्ग हो रही होती है हमारे पास, लोअर लेफ्ट एब्डोमेन में पेन होता है हमारे पास, और रेक्टम के जरिए हमारे पास जो होता है वो म्यूकस, जब हम पीसेस पास करते हैं तो उसके साथ म्यूकस भी हमारे पास पास आउट हो रहा होता है, और रेक्टल ब्लीडिंग हमारे पास इसके सिम्टम्स में आ जाता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास ये होता है कि हम एंटीबायोटिक देते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन कॉज की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, अगर वायरल कॉज है तो हमारे पास एंटीवायरल देंगे, और हम इन्फ्लेमेशन को कम, पेन को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक हो गया, और हम जाए के एजेंट्स देंगे, स्टूल सॉफ्टनर्स देंगे कि कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकें, और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है तो हम बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर डायरिया वगैरह का केस है तो हम फ्लैजर वगैरह देंगे, ठीक, ताकि हम जो कंडीशन है उसको मैनेज कर सकें। थैंक यू, दिस वॉज माई प्रेजेंटेशन, आई होप सो। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को समझ आई हो, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।